देखो सीआरपी मोड क्या होता है कि आप तुम देखो कि जब तुम किसी फेसबुक का लॉगिन करने जाते हो तो वहाँ पे ऊपर में ईमेल लिखते हो, नीचे में पासवर्ड लिखते हो। जब नीचे में तुम पासवर्ड लिखते हो तो वो वहाँ पे एक साइन बना रहता है ना, जैसे तुम एक पासवर्ड लिखे ए लिखते हो ठीक, तो खुद से पॉइंट बन जाता है। बी लिखते हो खुद तुरंत पॉइंट बन जाता है। कोई भी पासवर्ड लिखते हो तुम्हारा जो पासवर्ड होता है उसमें देखना कि जो कि तुम एक लेटर लिखोगे ना वो पॉइंट बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, वो पॉइंट बन जाता है। तो वो वही ये सीआरपी मोड से होता है, एक एक बिट से जो है वो पॉइंट बना, एक एक बिट को पॉइंट कर देता है। कैसे करता है ये देखो, ये अमन है ना, अमन इसका एक बिट को लेता है। ये पहले इसको क्या करता है, सिर्फ रजिस्टर ले जाकर इंक्रिप्ट करता है। अब मानो अमन क्या बन गया, डॉलर हैश एट द रेट और टी पी, चलो ये बन गया ठीक। अपने पास जो की है कि अपना लोग बनाते हैं की, मानो मैंने स्टार ले लेता हूँ स्टार, इसको इंक्रिप्ट की लेंगे हम। स्टार को इंक्रिप्ट करने के लिए क्या बोला, एट द रेट डॉलर 04 ठीक। अब इसका ये एक बिट और इसका ये एक बिट, इस दोनों को एक्जॉर करेंगे, एक ही बिट को लेकर इस दोनों का एक्जॉर करेंगे। उसके बाद जो हमें इस दोनों का एक्जॉर करने के बाद मानो कुछ भी मान लो कि ए आया, तो ये अपना साइबर टेक्स्ट का एक बिट होगा, एक बिट होगा अपने साइबर टेक्स्ट का। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारा पूरा जो है जैसे अमन है तो ये पूरा एंड तक चलता रहेगा, जब तक ये फोन आ जाए। अब दूसरा बार में क्या होगा, एक एट द रेट को लेंगे और डॉलर को लेंगे, इस दोनों का क्या करेंगे एक्जॉर करेंगे। एक्जॉर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, साइफर टेक्स्ट का दूसरा लेटर आएगा। बात समझ रहे हो, तीसरा लेटर आएगा, फिर चौथा लेटर आएगा। जब तक आता रहेगा तब तक हम सारे लेटर्स को कंप्लीट ना कर लें। बात समझ रहे हो ठीक है, एक बार डिक्लेरेशन देखते हैं फिर आगे बढ़ूंगा। इन दिस मॉडल डेटा इज इनक्रिप्टेड इन यूनिट्स दैट आर स्मॉलर, दे कुड बी ऑफ साइज 8 बिट्स एंड द साइज ऑफ द करेक्टर टाइप बाय एन ऑपरेटर देन ए डिफाइंड ब्लॉक साइज विच इज यूजुअली 64 बिट। समझ में आ गया कि भाई छोटे छोटे ब्लॉक्स में लेते हैं। तुम एग्जांपल से समझ गए होगे कि जब भी तुम फेसबुक में जाते हो अपना वहाँ पे पासवर्ड डालते हो, एक पासवर्ड डालते हो वो पॉइंट बन जाता है, यही है सीएफबी मोड। ओके आगे बढ़ते हैं, देखो ये अभी अपना एक टॉपिक है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है कि ये जो है सो ये ब्लॉक साइफर है ठीक, इसमें एक ब्लॉक को है सो इंक्रिप्ट करते हैं। छह इसमें स्टेप्स होते हैं, इन सारे स्टेप्स को एक एक करके छह के छह स्टेप्स को देखूंगा। इसमें पहले डिफिनेशन से देखते हैं फिर और बताता हूँ आपको। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा इंक्रिप्शन DEA बाय ANSINDE1 बाय ISO हैज बीन क्रिप्टोग्रामिक एल्गोरिथम यूज्ड फॉर टू डिकेड्स। DES इज ए ब्लॉक साइफर, इट इंक्रिप्ट द डेटा इन द ब्लॉक्स ऑफ 64 बिट्स। Each that 64 bits of plain text goes into the input of DES, which produce 64 bits of ciphertext. The same algorithm and the key are used in the encryption and decryption process. में छह steps होते हैं, मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ आपको ठीक। रुको देखो, DES जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट यह है कि इसमें बहुत सारे चॉइस को भर देते हैं, एकदम एक्सपेंड कर देते हैं, तोड़ते रह जाते हैं। हम मानो पहले अगर मानो कि 64 बिट्स है तो उसको 8-8 का पेयर बना लेंगे, फिर उस 8 को जो है सो बिट्स में तोड़ना स्टार्ट करेंगे। उस 8 में जो एक बिट है उसको तोड़ देंगे 5 में, फिर उस 5 में जो एक बिट है उसको 5 में तोड़ देंगे, फिर उस 5 में जो एक बिट है उसको 5, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चॉइस बना देते हैं, बहुत सारे चॉइस बना देते हैं कि मतलब उसको जो है सो जो अटैकर हो कंफ्यूज बर्बाद हो जाए, मतलब कि उसको सोचने में सोच नहीं पाए, 5-10 साल लग जाए उनको इन सब चीज़ों करने में। जैसे लूपिंग नहीं करते हम लोग, इनफाइनाइट लूप लगा देते हैं। तो देखो ये इसमें क्या होता है कि पहले तो हम क्या करते हैं कि जो 64 बिट्स का है उसको हम इनिशियल परमोटेशन में डाल देते हैं। इनिशियल परमोटेशन क्या होता है कि भाई मिक्स कर देना, मतलब तोड़ना उसको बीट, अगर 8 बिट है तो उसमें से 8 बिट के पहला बिट को 5 बार में तोड़ देना, उस 5 बार नहीं मतलब बहुत सारे भाग में तोड़ देना। उसके बाद जो तोड़ा हुआ बिट है उसके बिट पहला बिट को भी बहुत सारे भाग में तोड़ देना, फिर जो मैं तोड़ा हुआ हूँ उसके बिट्स को भी बहुत सारे भागों में तोड़ देना। ऐसा मतलब बहुत बार प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ से जो है सो वो एक ए है ना, ये अगर ए तो इसका जो है सो 100,000 जो है सो ये मतलब चॉइस बना देते हैं, इसमें परमोटेशन दे देते हैं 100,000, एक ए का 100,000 दे देते हैं। अब एक ए को ट्राई करने के लिए वो 100,000 बार ट्राई करेगा, अगर 4 अंक का है तो 400,000 बार ट्राई करेगा, कभी नहीं कर पाएगा वो। तो पहला स्टेप में वो ये करते कि बहुत सारा चॉइस दे देते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते, पहला स्टेप में 64 बिट्स में चेंज करते थे, दूसरा स्टेप में क्या करते कि आईपी के पास दे देते इनिशियल परमोटेशन, जो मतलब बहुत बार में तोड़ देता, बहुत सारे चॉइस दे देता। तीसरा स्टेप में क्या करते आरपीटी, तीसरा स्टेप में भी मतलब अब 32 बिट्स का पेयर बनाते थे। पहले तो 64 बिट्स का था, अब उस 64 बिट्स में एक एक बिट को पकड़ के बहुत बार तोड़ रहे थे, अब क्या कर रहे हैं फिर से 34 बिट्स का बिट्स बना रहे ठीक। उसके बाद उसमें से पकड़ पकड़ के सबको तोड़ रहे हैं। आरपीटी क्या होता है, इस आरपीटी में क्या करते हैं, बिट्स इनक्रिप्टेड इनटू द 48 बिट्स, इसको जैसे अब बढ़ा देते हैं, जो 34 बिट्स का बनाया ठीक, उसको जो है सो एक्सटेंड कर देते हैं। पहले क्या कर रहे थे एक छोटे से बिट को, एक बिट को बहुत सारा चॉइस दे रहे थे। उसके बाद क्या किया, उस चॉइस बहुत सारा जो दिया है उसमें से 32 बिट्स को बड़ा करके 48 बिट का बना देते हैं ठीक। चौथा स्टेप क्या होता है, 16 राम, अब क्या करते हैं कि 16 को पकड़ते हैं, बहुत सारा चॉइस है ठीक, उसमें से बहुत सारा बन चुका है तो उसमें से 16 का पेयर बनाते हैं ठीक। 16 पेयर को फिर से डिक्रिप्ट करते हैं, और डिक्रिप्ट करने के बाद अपने पास फाइनल आ जाता है प्लेन टेक्स्ट। देखो पहले क्या हुआ, फिर से शुरू से बता रहा हूँ, मानो कि पहला ये अगर ए है तो इसका हम 100,000 चॉइस बना दिए, 100,000 किसके मदद से, आईपी के मदद से ठीक। अब इस 100,000 चॉइस में से हम 32 बिट्स को पकड़ेंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे, 48 बिट्स का बना देंगे,
मतलब कुछ भी डाल के 48 बिट्स का बना दिया, मानो एक बिट को दो भाग में तोड़ देंगे, समझ रहे हो? अगर मानो कि एक बिट को दो दो भाग में तो 48 बिट का बना देंगे, बिट्स को एक्सपेंड किया जा सकता है, बिट्स को तो एक्सपेंड किया जा सकता है ना भाई। तो अब मानो कि ये 32 बिट्स को हम क्या कर रहे हैं, 48 बिट्स में बदल रहे हैं इस 100,000 के पेयर में से, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 16 का पेयर बना रहे हैं। अब 16 का पेयर बनाए, जितना भी मानो कि ये 1,32,000 बिट्स का इसमें जितना भी पेयर आया होगा, तो उसमें से 16 का पेयर बना के और उसको क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, बिट्स को प्लेन टेक्स्ट में इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट में चेंज करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, उसको इंक्रिप्ट करते हैं, बात समझ रहे हो? ये 16 का जो मैंने बिट्स बनाया, उस बिट्स को प्लेन टेक्स्ट में लाए और फिर उसको जो है सो इंक्रिप्ट कर दिया। अब जो मतलब ऑब्टेन हुआ वो हमारा साइबर टेक्स्ट होगा, बात समझ रहे हो भाई? 16 का राउंड पेयर बना लिए, उसके बाद जो मुझे ऑब्टेन हुआ प्लेन टेक्स्ट, उसको इंक्रिप्ट किया, तो फिर हमें जो मिला वो साइबर टेक्स्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है पूरे अच्छे से समझ में आ चुका है आपको। देखो ये RC4 अपना एक नया, ये अगला टॉपिक है RC4। इस RC4 को जो है सो रॉन रिवरेस ने डिजाइन किया था, वो जो रशिया के वो सिक्योरिटी काउंसिल के थे वो। तो इसका जो है सो पहले जो नाम था वो रिवर साइफर 4 था, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है सो स्ट्रीम साइफर है, मतलब क्या हो गया कि ये ब्लॉक में काम करेगा, स्ट्रीम साइफर पूरा ब्लॉक में ही काम करता है, ब्लॉक में ही काम करता है, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, हम आगे जाके उस ब्लॉक्स को बिट्स में चेंज कर देते हैं, वो बाइट्स में काम करता है, तो इसको जो है सो बिट्स में भी हम चेंज कर सकते हैं, तोड़ते रह जाते हैं। अब जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें तोड़ मरोड़ ही होगा, बाइट्स बिट्स में ही खेलेंगे हम लोग। तो देखो एक बार यहाँ से सीक्रेट, हाँ यहाँ से सीक्रेट क्या भाई, डिफिनेशन। RC4 वाज डिजाइन फॉर रॉन, डिजाइन बाय रॉन रिवरेस ऑफ RSA सिक्योरिटी इन 1987। ऑरिजिनल नेम फॉर दिस एल्गोरिथम इज रिवर साइफर 4, रिवर साइफर 4 ऑरिजिनल नेम था, ठीक। RC4 इज स्ट्रीम साइफर, दिस दैट मींस द इंक्रिप्शन हैपन बाइट्स बाय बाइट्स। जो साइफर स्ट्रीम साइफर होता है उसमें क्या होता है, बाइट्स बाय बाइट्स हैपन होता है, पहले लेक्चर में ही बताया था, उसके 2-3 लेक्चर पहले बताया था। इट कैन चेंज टू बिट्स बाय बिट्स इंक्रिप्शन और द साइज अदर देन द बाइट्स पर बिट्स साइफ। RC4 इनिशियली ये जो है सो पहले जो है सो वो सीक्रेट रखा गया था, जैसे अभी देखो पेगस स्पाईवेयर है कुछ, ठीक ना, जो इज़राइल की कंपनी है, तो वो उसको जो है सीक्रेट रखे हुए हैं। अब जब तक सीक्रेट है तभी तक वो बचा हुआ है, सीक्रेट सी अगर हट गई, अगर वो आ गया मतलब मैन डोमेन में, तो उसको तोड़ने का तरीका खोजने वाले बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो उसी तरह ये RC4 है ना, ये बीच में आ गया, ये इसको जो है सो मतलब लॉन्च कर दिया गया, क्योंकि इसका जो है सो बहुत ज़्यादा स्पीड तगड़ा है, स्पीड के कारण जो है सो आज ये बहुत वाइडली यूज होता है। ये कैसे काम करता है बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये RC4 में क्या होता है कि ये जो है सो बहुत सारे फॉल्स की को जनरेट करता है, स्यूडो की को जो है सो जनरेट कर देता है, उसको की स्ट्रीम बोलते हैं, स्यूडो की स्ट्रीम बोलते हैं। मतलब मानो कोई एक क्या बोल सकते हैं, एक की है मानो मेरे पास, उसका जो है सो बहुत सारा फॉल्स बना देता है, मानो स्टार में था तो *1, *2, *2, *3, बहुत सारे जो है सो मतलब फॉल्स की जो बना देता है। देखो यहाँ डेफिनेशन से देखते हैं, उसके बाद क्या करता है, उस प्लेन टेक्स्ट को एब्जॉर्ब करके फिर साइफर टेक्स्ट बनाता है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं, RC4 जनरेट ए स्यूडो स्ट्रीम ऑफ बिट्स कॉल्ड की स्ट्रीम, दिस इज कंबाइंड विद द प्लेन टेक्स्ट यूजिंग एब्जॉर्ब ऑपरेशन एंड इनक्रिप्ट एंड ऑब्टेन द साइफर टेक्स्ट। क्या करता, समझ में आ रहा है तुम्हें? स्यूडो स्ट्रीम बनाता, स्यूडो स्ट्रीम कैसे बनाता की को वो देखते हैं। ये इसमें क्या होता है कि जो है सो बाइट्स जो होता है ना, एक से लेकर 256 तक होता है, उस 256 बाइट्स में क्या करता है वो जो है सो तोड़ना स्टार्ट कर देता है एक बाइट्स को। डिफिनेशन से देखो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। डियर इज ए वेरिएबल लेंथ ऑफ की कंसिस्टिंग ऑफ 1-256 बाइट, 8-248 बिट्स, दिस की इज यूज टू इनिशियलाइज 256 बिट स्टेट वेक्टर विद एलिमेंट आइडेंटिफाई S0, S1 अप टू S255। मतलब इसमें से जो है 256 में से क्या करता है कि एक बिट्स को उठाता है, ठीक, ऊपर वाले एक बिट्स को उठाया, उसके बाद जो है उसके साथ एक जो ऑपरेशन करता है, एक फॉल्स की बना दिया, ठीक। अभी ना रात के कितने बज रहे होंगे, 4 या 3 बज रहे हैं, ऐसा कुछ बज रहा है, अब देख रहे हैं मुझसे क्या क्या निकल रहा है। तो ये देखो मतलब सिंपल चीज़ है, समझा रहा हूँ, अभी पक्का समझा दूंगा, बता रहा हूँ, मतलब समझा के जाऊँगा आज। देखो इसमें क्या होता है कि मानो एक से लेके 155 तक है, ठीक ना, तो इसमें से एक लेते हैं, ठीक, ऊपर वाला प्लेन टेक्स्ट का जो हमारे पास की है उसको इनक्रिप्ट किए हुए हैं, इसके एक बिट्स को लिया, ठीक, इस दोनों का एक्सॉर किया, और ये एक्सॉर तब तक करता रहूँगा की के लास्ट बिट तक, ठीक। तो ये पूरा एक्सॉर करके एक मानो के स्यूडो स्ट्रीम बनाए, ठीक। उसके बाद दूसरे पे आते हैं, तो दूसरे के साथ वही सेम प्रोसेस करेंगे और फिर से जो है सो एक स्यूडो स्ट्रीम बनाएंगे। यहाँ पे कितना है अपने पास, 2048 इतना जो है सो स्यूडो स्ट्रीम बना देंगे हम। अब मानो कि ये कितना हो जाएगा, अगर मानो कि जितना मानो कि मेरा 4 वर्ड का ही है, तो 2800 × 4 करते हैं, एक एक बिट्स को ही हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये क्या कर रहा है, उसके बाद ये जो है सो मतलब टफ तो हो जाएगा कि मतलब नहीं तोड़ पाएंगे,
यही सेम प्रोसेस जो है सो ये बार बार ये करते रहते हैं, बहुत सारा जो है सो स्यूडो स्ट्रिंग को बना देते हैं, और इतना स्ट्रिंग बना देते कि मतलब इम्पॉसिबल है कि लोगों के लिए कि कोई नॉर्मल आदमी के लिए या फिर हैकर अटैकर के लिए कि वो इसको क्रैक कर पाए। अब देखते हैं आरसी फाइव, ये समझ में आ गया ना भाई कैसे बताया? हाँ अच्छे से अच्छे से आ गया होगा ना। चलो मतलब आरसी फाइव जो है ना, सुना तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी एकदम पूरा ये हो गया है, कुछ कुछ निकल रहा है। हाँ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की चीज़ें आने वाली है यार, बात है कि समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे भी, अभी पता नहीं क्यों टाइम का, अभी क्लासेज स्टार्ट हो गए हैं कल से लग रहा है मेरे भी, अब मैं भी कॉलेज में ही पढ़ाई लिखा। हाँ एक चीज़ और, मैं भाई कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करता हूँ, ये सब मत भेजो, मैं प्रोफेशनल टीचर थोड़ी हूँ कि मुझे खरीदने चले आते हो सारे, ये सब चीज़ें मत करो प्लीज़ प्लीज़। देखो 10-12 ऐसे ईमेल्स आए हुए थे जो बोल रहे थे कि पैसे इतने दूंगा आप आ जाओ, फालतू की चीज़ें ये सब मैं नहीं करता। मैं एक बच्चा ही हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, अभी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर से अभी सेकेंड ईयर में ही आया हूँ, तो ये सब चीज़ें मत करो। आरसी फाइव मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, आरसी फोर समझ में आया या नहीं, अगर देखो कोई भी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई नोट्स में घुस जाओ, नोट्स एकदम परफेक्ट हैं, पढ़ने के बाद खत से समझ में आ जाएगा, वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें डाउनलोड कर लोगे। बाय।